आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डाउट नेट सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज सेइंग 500 हंड्रेड एम एल ऑफ जीरो पॉइंट वन मोलो एच टू एसो फोर वॉज एडिड इन वन लीटर ऑफ जीरो पॉइंट वन मोलर एनओ एच सोल्यूशन दीट एवॉल्व वक्स कैलोरीज इफ फर्दर 500 हंड्रेड एम एल ऑफ एच टू एस ओ फोर इज एडेड इन टू द सोल्यूशन नाउ हीट एवॉल्व विल बी सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हमने फाइव हंडर्ड फाइव हंड्रेड एम एल ऑफ जीरो पॉइंट वन एच टू एस ओ फोर को मिक्स किया है ऐड किया है इन द सॉल्यूशन ऑफ एन ओ एच डैट इज़ वन लीटर ऑफ जीरो पॉइंट वन एन ओ एच ठीक है तो हमारे पास क्या हुआ है हीट इवॉल्व हुई है हीट इवॉल्व हुई है एंड दैट इज़ इक्वल टू एक्स कैलरीज ठीक है एक्स कैलोरीज हीट इवॉल्व हुई है अब हमसे पूछा गया है इसी सॉल्यूशन में अगर हमने फर्दर ऐड किया है फाइव हंड्रेड एम एल ऑफ एच टू एस ओ फोर तो फिर हमारी अब कितनी हीट इवॉल्व होगी ठीक है तो पहले हम देखते हैं ये जो हमारे पास हीट इवॉल्व हुई है ये क्या है एंथेलेपी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ठीक है एंथेलेपी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ये न्यूट्रलाइजेशन ठीक है क्योंकि यहाँ पे हमने एसिड डाला है और बेस डाला है जब एसिड बेस मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो उस टाइम पे हमारी जो हीट इवॉल्व होती है इज़ नोन है सिंथेलपी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो अगर हम यहाँ पे देखें इन दोनों के अगर हम मिलीमोल्स निकाल लें तो उसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि कितना अभी जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है बेसिक है या फिर न्यूट्रल हो चुका है ठीक है तो अगर हम एसिड्स के केस एसिड के केस में निकालें एच के लिए तो क्या होगा एन एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इंटू मोलारिटी ऑफ एसिड करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास एन फैक्टर कितना है यहाँ पे टू है क्योंकि ये डायाबेसिक एसिड है ठीक है तो टू इंटू वॉल्यूम कितना है हमारे पास फाइव हंड्रेड इसको एम में में रहने देते हैं मिलीमोल्स निकाल देते हैं इंटू मोलारिटी मोलारिटी कितनी है हमारे पास जीरो पॉइंट वन तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहे हैं हंड्रेड तो हंड्रेड मिलीमूल्स हैं हमारे पास किसके एच uh, टू बैस ओ फोर के और वहीं अगर हम निकालें एन ओ एच के तो एन ओ ओ एच के लिए क्या करेंगे एन फैक्टर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ बेस इनटू मोलारिटी ऑफ बेस ठीक है तो ये क्योंकि एन ओ एच हमारा मोनो एसिडिक बेस है तो एन फैक्टर वन हो गया वॉल्यूम हमें क्या गिवन है यहाँ पे थाउजेंड एम एल गिवन है मतलब वन लीटर गिवन है तो डैट इज़ इक्वल टू थाउजेंड एम एल ठीक है और मोलारिटी हमें पॉइंट वन के है तो ये क्या आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू भी हंड्रेड आ गई तो क्योंकि दोनों के मिलीमोल्स इक्वल हैं तो ये जो सॉल्यूशन है ये क्या हो चुका है कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है ये जो टोटल सॉल्यूशन बना था ये वाला ये कंप्लीटली क्या हो गया न्यूट्रलाइज हो गया न्यूट्रलाइज और अगर ये कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया है तो इस सॉल्यूशन में अगर हम फर्दर कुछ भी ऐड करेंगे एसिड या फिर बेस तो कोई हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं देखने के लिए मिलेगा क्योंकि तो सिर्फ एसिड डाल रहे हैं और ये सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज़ हो चुका है तो इस वजह से जो एंथेलपी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो क्या होगी हमारी अब इस केस में जीरो होगी क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन होगा ही नहीं तो कहते तो कितनी हीट इवॉल्व होगी जीरो कैलरीज़ सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन थ्री विच इज़ सेग जीरो सो डैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन थैंक यू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर